कलाम है चरा मेरी राहों की रोशनी, तेरा कलाम है चरा मेरी राहों की रोशनी। अपने दिल में मैंने इसको छुपा के रखा है, अपने दिल मैंने इसको छुपा के रखा है। तेरा कलाम है चरा कितनी अच्छी शहद से भी मीठी है, कितनी अच्छी है अक्ल की बातें वो मुझे शहद से भी मीठी है। झूठी राहों से नफरत, झूठी राहों से नफरत, मिल गई राह मुझे सही। अपने दिल में मैंने इसको छुपा के रखा है, अपने दिल में मैंने इसको छुपा के तेरा कलाम है चराग मेरी राहों की रोशनी, अपने दिल में मैंने इसको छुपा के रखा है, समेट लिया है, पकड़ लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया है, जान लिया है, परख लिया है कि यही रास्ता ठीक है, प्रभु का वचन ही अच्छा है, वही सच्चा है, वही सच्चाई है, प्रभु का वचन ही मुझे सही मार्गदर्शन दे सकता है, प्रभु का वचन ही मुझे सच्चाई के रास्ते पर चला सकता है, और बाकी दुनिया की सब चीजें भटकाने वाली हैं। अगर हम रोमियो के 8वें अध्याय में जाते हैं और उसकी 28वीं, रोमन्स 8:28, सब अपनी बाइबल्स निकालें। जब आप इस कार्यक्रम के लिए बैठते हैं तो अपनी बाइबल जरूर निकाल के साथ रखा करें, क्योंकि हम प्रभु के वचन से जरूर पढ़ते हैं और वचन से पढ़ना ही हमको बिल्डअप करता है। परमेश्वर की मेरी बातें चतुराई की बातें काम आने वाली नहीं है। एक होती है वर्ल्डली विजडम, दुनिया की बहुत वर्ल्डली वाइज हैं कई लोग, लेकिन उस विजडम का अंत कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। अच्छा हो सकता है, उत्तम नहीं हो सकता, बेस्ट नहीं हो सकता, और हम तो अति उत्तम और परमेश्वर की अनुसार जो सबसे अच्छी चीज़ है, जो हमारी सोच से भी परे है, ऐसी अच्छाई की तरफ हम चल चुके हैं। हमारी यात्रा अब उस तरफ निकल चुकी है जहाँ पर बेस्ट जो लॉर्ड हमको देना चाहते हैं, परमेश्वर हमको देना चाहते हैं। तो वर्ल्डली विजडम जो है वो उतनी हद तक हमको नहीं ले जा सकती, वो सिर्फ गॉडली विजडम, क्योंकि जिसने दुनिया बनाई है वो जानता है कि दुनिया में वो कौन सी हमको अच्छी से अच्छी चीज़ और वो कौन से ऐसे आनंद हैं जो वो हमको दे सकता है। हमारी सोच से बड़े हैं वो आनंद, हमारी अकल से ऊपर हैं। तो वचन 8:28 में कहता है कि हम जानते हैं, मेरे पीछे बोले, हम जानते हैं कि जो लोग, सब लोग नहीं, कुछ ही लोग होते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, सब परमेश्वर से प्यार नहीं करते हैं, कुछ ही लोग हैं जो प्रभु से सच्चा प्यार करते हैं। हर प्रार्थना पूजा करने वाला आपको ये ना समझे कि वो परमेश्वर से प्यार करता है, वो अपने से ज़्यादा प्यार करता है। आई मी माई सेल्फ, मेरा काम बन जाए, मेरी ब्लेसिंग आ जाए, मुझे आशीष मिल जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरी तबीयत ठीक हो जाए। कभी कभी हम सत्संग में, अपने चर्च में भी और प्रभु यीशु मसीह के पास भी इसीलिए आते हैं कि हमें किसी चीज़ की दरकार होती है, और अमूमन ऐसा ही होता है कि हम कुछ मांगने ही आते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं जो इस वजह से आते हैं कि हमें प्यार है परमेश्वर से। तो वचन कहता है कि जो हम जानते हैं, मतलब ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर
भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार कुछ लोगों को बुलाता है, चुनता है। आप सड़क पर जा रहे हैं, मार्केट में हैं, आप हर एक को तो नहीं बुलाएंगे, हर एक को आवाज़ नहीं देंगे, सुनिए भाई सुन, नहीं, किसी को भी आप जाके ऐसे नहीं, अरे क्या हो, किधर क्या कर रहे हो, चलो ना मेरे साथ खाना खाते हैं, हर एक से तो आप बात नहीं करेंगे। कोई चुना हुआ होगा या कोई आपका अपना होगा जिसके आप जिसके साथ आप बातचीत करते हैं, या मार्केट में आवाज़ देके बुलाते हैं, सुनो भाई, अरे आप किधर घूम रहे हो, इधर आइए, इधर कहाँ हैं आप। आप जब अपने किसी जान पहचान को देखते हैं तो उसको बुला लेते हैं, उससे बात करना चाहते हैं। इसी तरह से परमेश्वर अपने कुछ लोगों को चुनता है और बुलाता है जिनके कानों में उसकी आवाज़ जाती है। यीशु मसीह ने कहा है बाइबल में कि मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ, अगर कोई सुनता है और दरवाज़ा खोलता है तो मैं अंदर आऊँगा। वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर आने वाला नहीं है, वो हमको खटखटा के और फिर शांति से इंतज़ार करता है कि क्या ये मुझे अंदर आने देगा कि नहीं। देखिए प्रभु कैसे हैं हमारे। मैंने सुना था कि प्रभु को ढूंढने के लिए हमको जाना पड़ता है पहाड़ों पे, ढूंढ ढूंढ के अपने शरीर को तपस्या कर करके अपने सता सता के कि प्रभु मिलेगा परमेश्वर। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह कहता कि आई एम वेटिंग आउटसाइड योर डोर, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे घर के दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ, तुम्हारे दिल के दरवाजे पर खड़ा हूँ और खटखटा रहा हूँ, आज से नहीं कितने समय से। और मैं कहता हूँ कि जो मुझे अंदर आने देगा मैं फिर अंदर आऊँगा, तभी आऊँगा जब आप मुझे अंदर आने देंगे, और फिर मैं उसके साथ खाऊंगा पीऊँगा, संभागी हो जाऊँगा, पार्टेकर बन जाऊँगा, उसके साथ मेरा एक रिश्ता बन जाएगा, उसके साथ मेरा एक नाता और एक रिलेशनशिप हो जाएगा। और यहाँ पर वचन कहता है कि जो उसकी इच्छा के अनुसार खटखटाए गए हैं, जिनका दरवाज़ा प्रभु ने खटखटाया गया है, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, जिनको उसने रेकॉन करके और पहचान के बुलाए, तुम आप आए मेरे पास आइए, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ एक रिश्ता बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाकर आपके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। प्रभु हमसे कहता है, परमेश्वर हमसे कहता है, गॉड का बेटा यीशु मसीह हमसे कहता है, वो स्वयं जो परमेश्वर है वो हमसे कहता है, कहता है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, क्या तुम मेरे पार्टनर्स बनोगे, क्या तुम मेरे साथ मेरे काम के लिए और मेरी किंगडम के लिए खड़े होगे, क्या तुम मेरे राज्य के केयरटेकर्स बनोगे, क्या मेरे राज्य में काम करने वाले बनोगे, क्या मेरे राज्य के सेवक बनोगे। सब कुछ वो हमें क्या बनाता है हमें पता नहीं, लेकिन वो हमें बुलाता है। एंड यू आर कॉल्ड टूडे, यू आर कॉल्ड, आपके जीवन के ऊपर एक कॉलिंग आई है, कुछ तो देखा है प्रभु ने आपके अंदर, कुछ तो ऐसी बात देखी है जो प्रभु ने आपको पसंद किया है, कुछ ऐसा आपने आपके अंदर गुण देखे हैं जो आम लोग नहीं देखते, शायद आपके फ्रेंड्स नहीं देख पाए वो गुण आज तक, इसलिए उन्होंने कहा कि अरे छोड़ो यार ये आदमी क्या इससे बात करना है। लेकिन प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, मेरे घर में आओ, मेरे दरबार में आओ, मेरे सत्संग में आओ, मेरे वचन में आओ, मेरी उपस्थिति में आओ, मेरे एनॉइंटिंग में आओ, मेरे मसा में आओ, मेरे अभिषेक के दायरे में आ जाओ, मेरे पास आओ। तो जो बुलाए हुए हैं फिर उनकी जिम्मेदारी प्रभु की हो जाती है, जो बुलाए हुए और जो जाते हैं उसके पास, जो दरवाज़ा खोल देते हैं और जो उसको इन्वाइट कर लेते हैं, फिर वो परमेश्वर के वचन कहता है कि उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। फिर उनके जीवन में भलाई, दुख भी होगा सुख भी होगा, लेकिन वो सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करेंगी। कितनी अच्छी बात है, कई लोगों के जीवन में सारी बातें मिलकर गड़बड़ हो जाती हैं, ये मिलाया सब मिला के एंड में कहते हैं कि जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। ऐसा परमेश्वर के बुलाए हुए लोगों के लिए नहीं है, मुसीबतें आएंगी वो सब मिलके भी भलाई को उत्पन्न करने वाली हैं। ये ऐसा प्रभु का वचन हमारे और आपके लिए कहता है, क्योंकि हम बुलाए गए हैं और हमने उस बुलाहट को सुना और हमने रिस्पॉन्ड किया है।
बोलिए यीशु मसीह की जय। आवाज लगाई गई है, आप बुलाए गए हैं और आपने कहा यस गॉड, यस लॉर्ड, आपने मुझे बुलाया। बोलिए आपका दास तत्पर है आपकी सेवा के लिए, आपका दास खड़ा है आपके चरणों पे। आप मेरे उद्धारकर्ता हैं, आप मेरे परमेश्वर हैं, आप मेरे प्रभु हैं। परमेश्वर आप मुझे स्वीकार कर लें और फिर परमेश्वर अपने दिल की बातें, फिर परमेश्वर हमको जानते हैं क्या बनाना चाहता है। अगर हम 9:23 में देखते हैं, रोमियो के ही किताब में 9वें अध्याय और 23वें बाब में देखते हैं, और दया के बर्तनों पर कौन से दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की आपके अंदर। माय गॉड, हमारे अंदर से वो अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है। मिस्टर राजू, मिस्टर मनोज, मिस्टर सुरेंद्र शर्मा साहब, गुप्ता साहब, भाटिया साहब, मिस्टर खान, मिस्टर हुसैन, मिस्टर लॉरेंस, सबको एक धर्म के इंसान को नहीं बुलाता है प्रभु। प्रभु की आवाज़ सिर्फ यीशु मसीह की आवाज़ सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए नहीं है, ये मत सोचना। यीशु मसीह की आवाज़ सबके लिए है। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आंख हो वो देख ले। मिस्टर मेलवानी, मिस्टर नानवानी, सब लोगों के लिए, मिस्टर प्रकाश, मिस्टर सिंह, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबके लिए परमेश्वर की आवाज़ है। वो कहता है मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। कभी कभी हम समझते हैं कि ये प्रोग्राम जीसस का प्रोग्राम, अच्छा ये क्रिश्चियंस के लिए, नहीं 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 नहीं, नहीं। ये आवाज़ यीशु मसीह का वचन, उसकी आवाज़, उसकी पुकार सबके लिए है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने सारी दुनिया को आवाज़ दी है। और वो कहता है कि और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, और महिमा के कुछ लोग जो है विनाश के बर्तन होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो क्रोध के बर्तन होते हैं और परमेश्वर का सामर्थ्य उनके अंदर प्रकट नहीं हो सकता। कुछ लोग जेलेसी के बर्तन होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं एंगर के, कुछ लोग होते हैं एकदम ही श्राप के और प्रकोप के बर्तन होते हैं, लेकिन दया के बर्तनों को प्रभु ने चुना है और वो अपनी महिमा हमारे अंदर से जो सुनते हैं, जो नम्र होके, इसलिए वचन कहता है कि धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि वो क्रोध के बर्तन नहीं होते, वो शांति के बर्तन होते हैं। फिर प्रभु इस तरह के बर्तन में अपनी महिमा को प्रकट करता है। वो ऐसे ऐसे बर्तनों को चुनना चाहता है जो उसकी आवाज़ को सुने और जो पहले से तैयार किए गए हैं, ताकि उसके महिमा के धन को वो प्रकट कर सके। कौन ऐसा आदमी होगा जो अपनी महिमा आपको देना चाहेगा, अपनी ग्लोरी आपके थ्रू प्रकट करना चाहेगा? हर आदमी अपनी ग्लोरी को खुद ही रखना चाहता है, अपने ताज को सब खुद मुकुट को पहन के घूमना चाहते हैं। मेरा मुकुट है, मैंने लिया है, भाई मेरा है, आप मत हाथ लगाना, मेरा है, वो मेरी गाड़ी है, मैं चलाऊंगा, मैं दिखाऊंगा कि मेरे पास है ये गाड़ी। कोई अपनी अच्छी गाड़ी किसी को नहीं देता। वो मार्केट में ऐसे निकलते हैं कभी कभी हम लोग, जब इस तरह से कभी जब नई गाड़ी है बहुत महंगी अपने पास, जिसके पास कार होती है वो ऐसे मार्केट से राजा की तरह निकलता है। अभी थोड़े खिड़कियाँ, कितनी भी गर्मी हो खिड़की नीचे करके जाएगा ताकि सब लोग देखें जी जी मेरी गाड़ी है, मैं हूँ। तो लोगों को अच्छा लगता है अपनी इन बातों को प्रकट करना और ये बताना कि हमारे पास ये महिमा है, हमारे पास ये सब सामान है, हमारी ग्लोरी है, हम ये दिखाना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि अपनी महिमा का जो धन है वो हमारे द्वारा प्रकट करना चाहता है। यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे भी बड़े काम तुम करोगे। मैंने हीलिंग किया तो क्या हुआ, तुम भी मेरे नाम से दुआ करोगे, हीलिंग आएगी। तुम मेरे नाम से लोगों के बंधन तोड़ोगे, बंधन टूट जाएंगे। तुम मेरे नाम से आसमान में खुल जाएगा जो तुम जमीन पर खोल दोगे। तुम आसमान में कहोगे गॉड, प्रभु मैंने प्रार्थना की है, प्रभु कहेगा बेटा मैंने सुना है, ओके डन इन द नेम ऑफ जीसस, सील्ड, डिक्रीड, डिक्लेयर्ड, प्रोफिसाइड इन द ब्लड ऑफ जीसस। बोलिए यीशु मसीह की
और महिमा के बर्तन बनने के लिए आपके पास कोई MBA की डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आपके पास कोई MBBS की डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हो इसकी भी आवश्यकता नहीं है, आप बहुत बड़े आदमी हैं ये, इसके लिए आपको कोई पहलवान होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बॉडी बहुत अच्छी नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास सिर्फ नम्रता और आवाज़ सुनने की शक्ति होनी चाहिए और ये हलीमी होनी चाहिए कि यस मैं प्रभु के साथ ज़िद नहीं करूँगा, उसकी आवाज़ को सुन के आज्ञा का पालन करते हुए उसके चरणों में खड़ा हो जाऊंगा, फिर प्रभु मुझको जैसा बनाना चाहे मैं बन जाऊंगा। मेरा लालच नहीं कि मेरे को ऐसा बनना है। पहले मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैं पहले सोचता था कि मेरा एम्बिशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे को सिंगर बन के मेरे को गाना है और मेरे को अपना नाम करना है, लेकिन प्रभु ने एक दिन सब तोड़ दिया। उसने कहा कि तुम कौन सी दुनिया में अपना नाम करना चाहते हो? वही लोग आज आपको ऊपर उठाते हैं फिर नीचे फेंक देते हैं। हम किस किसकी तालियां चाहते हैं? हम किसको खुश करना चाहते हैं? और उनको खुश करने के लिए कितना आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? हमको मदारी के जैसे नाच करना पड़ेगा और लोगों को और लोग मैन प्लीजर्स बन के हमको कुछ आनंद कुछ शांति मिलने वाली नहीं है। हमको गॉड प्लीजर्स बनना है, उसके बुलावे पे आपको आना है, और वो जब बुलाता है उसकी बुलाहट सबसे बड़ी है। आओ खुदा के घर चलें, इससे बड़ा कोई इनविटेशन नहीं है। खुदावंद खुद हमको बुला के कहता है कि कम मेरे पास आओ, आओ मेरे पास, मैं तुम्हारा चरवाहा हूं, आई एम द गुड शेपर्ड, मेरे पास आओ। जो शांति मैं तुमको देता हूँ वो दुनिया से नहीं मिल सकती, जो आनंद मैं देता हूँ वो हर समझ से पर अकल से परे, क्योंकि अकल भी जिस्मानी है लेकिन ये आत्मिक आनंद है और शरीर कभी भी कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता। वो नूर चमका अंधेरों में, अंधेरा उसको समझा ना था, अंधेरा कभी उस नूर को समझ ही नहीं सकता, क्योंकि जब नूर आता है अंधेरे को भागना पड़ता है, जब रूह आती है जिस्म को भागना पड़ेगा, इसलिए जिस्म को पहले से भगाएं ताकि उस नूर को हम पकड़ सकें, उन बातों को हम समझ सकें और उन बातों को हम अपने अंदर अप्लाई कर सकें। बोल यीशु मसीह की जय। मैं आपको एक और स्क्रिप्चर बहुत अच्छा वचन लेके जाता हूँ, इस ये है 1 पीटर 2:9, 1 पीटर 2:9, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। परमेश्वर हमको बुलाता है ताकि हम उसके गुण अपने द्वारा प्रकट कर सकें, उसकी क्वालिटीज को अपने द्वारा, हमारी क्वालिटीज नहीं, हमारे गुण नहीं, उसके गुण, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव। आप प्रभु के हैं, आपके अंदर से प्रभु की शक्ल नजर आएगी, आपके अंदर से प्रभु नजर आएगा। लोग कहेंगे यार इससे बात कर रहे हो, ये अपना नहीं है, इसकी इसकी कॉलिंग जो है, इसको बुलाया गया है, इसको बुलाया था तो ये चला गया और ये जाके उनके जैसा बन गया है और ये उन्हीं की हुई बातें हमसे करता है। इसको बोलते हैं नबी, इसको बोलते हैं प्रॉफिट, और जो जो इस तरह की बातें करता है, और वो जो नबी है, वो जो प्रॉफिट है, कभी भी किसी को मारने काटने की बात भूले से भी नहीं करेगा, वो कभी भी लड़ाई झगड़े की बात भूले से भी नहीं करेगा। एक नबी हमेशा आएगा प्यार सिखाने, एक नबी हमेशा आएगा, एक भविष्यवक्ता हमेशा आएगा, जो परमेश्वर की ओर से भविष्यवक्ता आता है वो हमेशा प्रेम का संदेश लेके आता है, जो परमेश्वर की ओर से आता है वो जोड़ने आता है, क्योंकि परमेश्वर इज द क्रिएटर, वो डिस्ट्रॉय करने नहीं आता है, वो आके लोगों को मजबूत करता है। और परमेश्वर ने हमको चुना हुआ वंश, राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र किया है, ये चारों बातें बहुत महत्वपूर्ण है कि हम चुने हुए हैं, हमको राज सी। आप गरीब हैं, आप ये मत सोचो कि सिर्फ आप अगर बहुत बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं तो आप अमीर हैं, नहीं, जो अंदर से प्रभु को जानता है
वो सबसे बड़ा है। मर्सिडीज़ में भी भिखारी घूम रहे हैं, हवाई जहाज में भी भिखारी घूम रहे हैं, क्योंकि अभी उनको भूख लग, उनकी भूख मिटी नहीं है। तो जिसकी भूख नहीं मिटी वो भिखारी है, और जिसको संतोष और आनंद वो राजा है, राजपदधारी, और जिसके साथ सर के ऊपर स्वयं परमेश्वर का मुकुट आके लगा दिया गया वो राजा है। तो हम चुने हुए हैं, हम राजसी परिवार से बिलोंग करते हैं, और फिर हम याजक हैं, क्योंकि हम याजक का अर्थ है कि जो याचना करता है परमेश्वर के आगे, और परमेश्वर उसकी बात को सुनता है। पहले हम दूसरों पर डिपेंड करते थे, कोई हमारे लिए प्रेयर करेगा, कोई हमें बताएगा, कोई हमारे को उसको फिर हम पैसा देते थे, भाई साहब मेरे लिए कर दो, बहुत घर में प्रॉब्लम है, आप भी करो, मेरे को तो आता नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने हमको याजक का समाज बना दिया है। आप बैठे बोले, मेरे एक मित्र थे, अभी वो नए नए प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उनके घर के अंदर उनका बेटा रात को बीमार हुआ, इतना बीमार हुआ, उस टाइम कोई डॉक्टर नहीं, कुछ भी नहीं, उसने अपने बेटे के सर के ऊपर हाथ रखा, बोलो यीशु के नाम से, हे परमेश्वर मैं, उसने विश्वास के साथ कहा, परमेश्वर मैं इस बीमारी को, इस बुखार को यीशु के नाम से कैंसिल करता हूँ। 15 मिनट में बुखार नीचे आ गया। आप आजमाना, मैं दावे से कहता हूँ, परमेश्वर के वचन के ऊपर हाथ रख के आप आजमाइएगा विश्वास के साथ। बुखार कुछ भी, आप परमेश्वर के नाम से, यीशु ने कहा कि राई के दाने के जितना विश्वास हो तो आप पर्वत को हटा देंगे। आमेन। इससे बड़ा योगा नहीं है, कोई भी योगा इस दुनिया में कैंसर को ठीक नहीं कर सकता, ये लेकिन ये भक्ति योग सारे दुनिया की बीमारियां ठीक कर सकता है। ये विश्वास का योग, ये प्रेम का योग, शारीरिक योग कोई ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये सबसे बड़ा आसन है। इस आसन को मैं विश्वास आसन कहता हूँ, विश्वास का आसन है, कि जब आप विश्वास के साथ खड़े होते हैं और कहते हैं कि यस इन द नेम ऑफ जीसस आई डिक्लेयर हीलिंग डन, आमेन। प्रभु आज आपको बुलाता है, आओ मेरे पास, आओ मैं तुम्हें चुनता हूँ, राजपद देता हूँ, याजकों का समाज बनाता हूँ, और तुमको पवित्र करके तुमको निज प्रजा बना के अद्भुत ज्योति तुम्हारे अंदर से प्रकट करता हूँ। बोल यीशु मसीह की, परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको आदर का और महिमा का बर्तन बनाऊँगा। किसका बर्तन बनाऊँगा? आदर और महिमा का बर्तन, दया के बर्तन और महिमा के लिए तैयार करता है प्रभु हमको। फिर अंत में परमेश्वर कहता है कि सब बातें उनके लिए मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। बोलिए मेरे जीवन में भला होगा, कन्फेस कीजिए। मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करें और आज से अपने जीवन के अंदर एक बदलाव देखिए। नम्र हो जाएं, सिंपल बच्चे का विश्वास लेके आज आप प्रभु के सामने। प्रभु यीशु मसीह, मेरे पीछे बोले, प्रभु यीशु मसीह, आज मैं विश्वास करता हूँ कि आप उद्धार करता है, आप मेरे कारण इस धरती पे आए और आपने मेरे सारे पापों का बोझ अपने ऊपर लिया। प्रभु आज आपने मुझे बुलाया है और मैं आपको स्वीकार करता हूँ अपना मुक्तिदाता। हे परमेश्वर, आज मैं इस बुलाहट को नकारता नहीं, बल्कि कहता हूँ कि हे परमेश्वर, तूने मुझे चुना है, ये तेरा अनुग्रह हुआ है मुझ पे। प्रभु आज से मैं तेरे विश्वास, तेरे वचनों के ऊपर चलूंगा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलूंगा, तेरे वचन को, तेरा कलाम जो चराग है, मेरी राहों की रोशनी है, इसको अपने सीने में छुपा के रखूंगा। और हे परमेश्वर, मेरे दिन रात तेरी शरीयत के ऊपर, तेरी मोहब्बत को, इन बातों के ऊपर विचार करते हुए बीतेंगे। और हे प्रभु, मेरे लिए कुछ भी असंभव ना रहेगा, मैं दया का और महिमा का बर्तन बन जाऊं और तेरी ज्योति और तेरा नूर मेरे अंदर से प्रकट हो। प्रभु यीशु के नाम से ये छोटी सी प्रार्थना करता हूँ, आमेन। की जय। जी हाँ, इस प्रकार का विजयी जीवन प्रभु हमको देना चाहता है। मैं एक सीडी आपके साथ ये बांटना चाहता हूँ, ये हमारी नई सीडी है, ऐ सोने वाले जाग, मुर्दों से जी उठ, मसीह का नूर तुझ पे चमकेगा। अगर आप इसको चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं ये सीडी।
नए गीत हैं, 8 गीत हैं, आपने ये गीत तो ज़रूर सुना होगा। है सोने वाले जाग मुर्दों से जी उठ, इसको यहाँ लगा देते हैं। मसीह का नूर तुझ पे चमकेगा। तो इस नंबर पे जो आप टेलीफोन जो अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं टेलीफोन नंबर, आप यहाँ पे हमको फ़ोन करें या फिर ईमेल लिख सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं। इस पते पे सत्संग में आइए, जो हर हफ्ते एवरी संडे मॉर्निंग हमारी फेलोशिप होती है 10:30 से लेकर 1 बजे तक सत्संग फेलोशिप, इसमें भी आप आएँ और अपने परिवार को भी लेके आएँ, मित्रों को लेके आएँ, और यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रभु का कितना बड़ा काम यहाँ पर हो रहा है। और आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे, आपके परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आप इन फोन्स के ऊपर आप हमको कॉल कीजिए, नंबर्स के ऊपर कॉल कीजिए, और यदि आप हमारे प्रभु आपसे अगर बात करते हैं तो आप हमारी मिनिस्ट्री में हमारे सहयोगी बने, हमारे पार्टनर बने, जैसे आपको प्रभु लीड करते हैं, क्योंकि ये पैगाम खुशखबरी पूरी दुनिया तक पहुँचाना है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, यीशु के नाम से आमेन। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया।